बिल्लियां और बंदर। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। इनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। एक बार इन्हें एक बड़ी सी रोटी मिली। दोनों ने इस रोटी के दो टुकड़े किए, मगर दोनों का ये दावा था कि दूसरी के पास बड़ा टुकड़ा है। वो दोनों इस बात पर लड़ पड़ी। आखिर फैसला हुआ कि बंदर से इंसाफ कराया जाए। वो दोनों रोटी लेकर बंदर के पास गई। बंदर ने तमाम मामला सुनकर कहा कि मैं अभी फैसला कर देता हूँ। इसने एक तराजू लिया और रोटी के दोनों टुकड़े इसके दोनों पलड़ों पर रख दिए। जो पलड़ा भी वजनी होता वो उस रोटी में से एक टुकड़ा खा लेता। इस तरह कुछ देर में वो सारी रोटी खा गया और बिल्लियां मुंह तकती रह गईं और किसी के हाथ कुछ न आया। नतीजा, बाहिमी झगड़े में तीसरे फरीक का फायदा ही होता है। इसीलिए कहते हैं, आपस में मोहब्बत और इत्तफाक से रहना चाहिए।